सो आज अपन बात करने वाले हैं लेमार्कवाद, यानी लेमार्किज्म होता क्या है, ये लेमार्किज्म क्या है, जीव विकास के जो सिद्धांत है ना, थ्योरी ऑफ जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन है उससे रिलेटेड है। तो इस वीडियो में अपन बात करेंगे लेमार्किज्म है, ये जो लेमार्क ने ये जो लेमार्किज्म दिया था, इन्होंने कौन सी, इनकी बुक कौन सी थी, कौन सी बुक में इन्होंने ये लिखा था, और इसकी क्या क्या इन्होंने अवधारणा दी थी, और किन किन लोगों ने फिर इनकी इस अवधारणा की आलोचना की थी, क्या ये जो थ्योरी इन्होंने दी थी ये थ्योरी सक्सेसफुल रही थी या अनसक्सेसफुल रही थी, इन सब की बात आज अपने इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो अपन सबसे पहले बात कर लेते हैं लेमार्किज्म है। लेमार्किज्म को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहा जाता है ना, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, यानी लेमार्कवाद को क्या बोला जाता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी बोला जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा, चीज बहुत बार पूछ ली जाती है। फिर पूछ लिया जाता है कि इनकी पुस्तक का क्या नाम था, इनकी बुक का क्या नाम था, इनकी बुक का नाम था फिलोसोफी जूलॉजी का, जो कब लिखी थी 1809 के अंदर लिखी थी। अब 1809 के अंदर किसका जन्म हुआ था, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है जो भी जेनेटिक्स से रिलेटेड है, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 1809 में कौन से वैज्ञानिक का जन्म हुआ था, क्योंकि ये चीज 1809 वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत बार पूछ भी लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप सभी को पता है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा लीजिए। अब बात आ जाती है कि इनकी अवधारणा किस चीज के ऊपर आधारित है, इन्होंने कौन कौन सी क्या क्या अवधारणा दी उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी टोटल 4 अवधारणाएं, वैसे आपको बुक्स में और भी बहुत सारी मिल जाएगी, लेकिन नॉर्मली इनकी 4 अवधारणाएं कौन कौन सी वो बात कर लेते हैं। पहली अवधारणा इन्होंने बताई थी कि वातावरण में होने वाले परिवर्तन के प्रभाव से जीवों की शारीरिक संरचना में परिवर्तन होता रहता है एवं शरीर के अंगों का विकास भी होता है। मतलब इन्होंने बोला कि जो वातावरण में जो भी परिवर्तन होंगे, इन्वायरमेंट में जो भी परिवर्तन होंगे, उसके जो इफेक्ट होगा वो जीव की क्या होगी, जो फिजिकल संरचना होगी उसमें परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, उसके साथ ही आपको उनके जो शरीर के अंग होते हैं उनके अंदर भी विकास होता रहता है। पहली बात तो इन्होंने ये बोली। दूसरी बात इन्होंने बोली कि जो जीव होंगे, जिन अंग, जिन जीवों के यानी जंतु होंगे, वो जिन ऑर्गन्स का ज्यादा से ज्यादा यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वो अंग क्या होंगे, वो ऑर्गन क्या होंगे, ज्यादा विकसित होंगे, और जिन अंगों का उपयोग वो कम करेंगे वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, अपहासित यानी डिजनरेट यानी विलुप्त या नष्ट हो जाएंगे। दूसरा पॉइंट इन्होंने ये बोला। तीसरी बात इन्होंने बोली कि जीवों के शरीर व अंगों के आकार में वृद्धि होने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है। जीवों का जो शरीर होता है उनके अंदर जो अंग होते हैं, शरीर और जो अंग होंगे उनमें आकार होने की जो प्रवृत्ति होती है, वृद्धि होगी, उसकी प्रवृत्ति पाई जाती है। फिर उन्होंने बोला कि जीवों में उपार्जित लक्षणों की क्या होती है, वंशागति होती है। मतलब जो उपार्जित जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। उपार्जित लक्षण होते क्या है, उपार्जित लक्षण होते हैं या तो वातावरण के प्रभाव से, या फिर अपन जो ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं, उनको ज्यादा या कम यूज करने से शरीर के अंदर जो परिवर्तन आता है उनको क्या बोलेंगे, उपार्जित लक्षण बोला जाता है। ये 4 पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब इन्होंने इनका एग्जाम्पल के द्वारा भी, अब इन्होंने जो 4 पॉइंट है, ये अवधारणा दी है 4, इनको इन्होंने क्या हुआ, एग्जाम्पल के द्वारा भी इन्होंने समझाने की कोशिश किया। अब वो एग्जाम्पल कौन से, उनके भी बात कर लेते हैं। तो इन्होंने पहला एग्जाम्पल दिया जिराफ की गर्दन का लंबा होना, यानी जिराफ की गर्दन लंबी क्यों होती है, इन्होंने इसका एग्जाम्पल दिया। तो लेमार्क ने बोला कि जो अफ्रीका के जंगल थे उनके अंदर क्या होता है, जिराफ लाखों वर्ष पूर्व, यानी लाखों वर्ष पहले क्या था, एक साधारण हिरण के जैसा था। उस समय क्या था, वहाँ पे बहुत सारी हरी हरियाली थी, बहुत सारा हरा भरा स्थान था, लेकिन फिर क्या हुआ, कुछ इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि वहाँ पर क्या हो गया, धीरे धीरे घास की कमी होने लगी, और जो जिराफ थे वो पेड़ों की जो पत्तियाँ होती है ना, पेड़ कितने बड़े बड़े होते हैं उनकी पत्तियों पर निर्भर रहने लगा। इसके लिए जिराफ को पत्तियों तक पहुँचने के लिए क्या करना पड़ता था, अपनी गर्दन और जो आगे की टांग होते हैं दोनों, उनको ऊपर रखनी पड़ती थी, उनको ऊपर रखनी पड़ती थी उस पेड़ तक पहुंचने के लिए। इसलिए क्या हुआ, धीरे धीरे ये चीज क्या हुई, धीरे धीरे इनको ज्यादा यूज करने लगे, इसलिए क्या हुआ, ये धीरे धीरे लंबे होते गए, और ये जो लक्षण था ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वर्तमान के अंदर स्थायी लक्षण बन गया। अभी अपन ने देखा था क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चला जाएगा, जो चौथा पॉइंट था। दूसरा पॉइंट अपन ने क्या देखा था, जिन अंग का ज्यादा यूज करेंगे वो बड़े हो जाएंगे, जिनका नहीं करेंगे वो छोटे हो जाएंगे। ये इन्होंने हर जगह लागू कर दी ये चीज, लेकिन ये हर जगह सही है या नहीं है आपको आगे पता देखने को मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें ताकि टॉपिक क्लियर हो सके, लाइक भी करें, कमेंट भी करें, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि सांपों में
पेड़ों का नष्ट, यानी पेड़ का नहीं होना, यानी पेड़ों का नष्ट होना। अब इन्होंने क्या बताया कि लेमार्क ने कहा कि जो प्रारंभिक समय था, सरू का जो समय था, उस समय सांप थे उनके भी पैर होते थे, लेकिन इनका जो भूमिगत जीवन था और इन भूमि पे चलने हेतु और इनको जो बिल थे उनमें जाने के लिए ये क्या करते थे, बाधा का कारण बनते थे। इसलिए इनका उपयोग क्या था, इनके लिए नए के बराबर था। इसलिए क्या हुए, धीरे धीरे छोटे हुए, छोटे होते होते क्या हो गए, अंत में विलुप्त हो गए, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। फिर आ जाता है जलीय पक्षियों में जाल युक्त पाद का होना, यानी जो जलीय पक्षी होंगे उनमें जाल युक्त पाद का होना। बतख हो गया या अन्य जो भी जलीय जीव हो गए, वो क्या थे, पानी में तैरने के लिए जो पाद होती है उनकी अंगुलियों के बीच, यानी पानी में तैरते थे तो जो पैर की जो अंगुलियां हैं उनके बीच में क्या थी, उनके बीच में तनाव आता था। उस जो त्वचा थी वो त्वचा क्या रहती थी, तनी हुई रहती थी, उनके अंदर तनाव आता था। इसलिए ये चीज क्या हो गई, उनके अंदर क्या हो गया, वहां पे एक लेयर का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया, लेयर का निर्माण हो गया, जिसको क्या बोलते हैं, जाल युक्त पाद भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कर्ण पल्लव की पेशियां। क्या आ जाता है, कर्ण पल्लव की पेशियां, यानी गाय, हाथी, कुत्ते, खरगोश, इनके अंदर क्या होता है, जो कर्ण पल्लव की पेशियां होती है वो क्या थी, ज्यादा काम आती है। जब इसलिए क्या हो गई है, ज्यादा विकसित हो गई। लेकिन मनुष्य के अंदर क्या है, जो कर्ण पल्लव की पेशियां होती है उनका काम न के बराबर होता है, इसलिए इनके अंदर क्या होगी, अपहासित हो गई। नेक्स्ट आ जाता है अब इनकी आलोचना। अब लेमार्कवाद ने ये जो चार अपने पॉइंट दिए एग्जाम्पल के द्वारा समझा भी दिया, अब क्या ये सही थे क्या नहीं थे, अब इनको आगे आपको देखने को मिलेगा। लेमार्कवाद की आलोचना में देखेंगे जो कुवियर थे और जो विजमान थे, उन्होंने क्या हुआ, लेमार्कवाद के सबसे बड़े आलोचक थे। मतलब उन लेमार्क ने जो जो बात बोली ये दोनों बात इनको पसंद बिल्कुल भी नहीं थी। अब इन्होंने इसके एग्जाम्पल भी दिए, इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा कि भाई हमें इसलिए पसंद नहीं है, तो वो चीज देख लेते हैं कि इनको क्या पसंद नहीं थी। विजमान ने क्या हुआ कि लगभग 20 से लेके 22 पीढ़ियों तक जो नवजात चूहे होते हैं उनकी पूंछ काटी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, उनकी जो नई संतति है ना, जो नई पीढ़ी आती है उसके अंदर वो पूंछ न तो छोटी हुई, न ही उस पूंछ की साइज कम हुई। एक पीढ़ी की काट दी तो उनकी जो अगली पीढ़ी आएगी उनमें पूंछ देखने को ही मिलेगी। पहली बात तो ये यहाँ हो गई। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी चीज यूज नहीं करेंगे या कोई भी वातावरण या कारक द्वारा। जो चौथा पॉइंट था कि वंशागति की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होगी, लेकिन यहाँ पे ये चीज गलत हो रही है। हाँ, कई जगह ये नियम लागू होता है तो कई जगह ये नियम लागू नहीं होता है। नेक्स्ट इन्होंने एक और बोला, जो पहलवान हो गया या जो लुहार होता है वो क्या होते हैं, अपने पूरे जीवन काल के द्वारा जो भी अपनी मांसपेशियों के अंदर मजबूती लेते हैं वो मजबूती उनके पुत्र में वंशागत नहीं होती है ना, उनके जो पुत्र होते हैं वैसी ही बॉडी उनकी नहीं होती है, उनको भी मेहनत करके वो वैसी बॉडी बनानी पड़ती है। दूसरा एक एग्जाम्पल ये हो गया। तीसरा एग्जाम्पल इन्होंने ये दिया कि जो व्यक्ति निरंतर पढ़ाई करता है ना, पढ़ता है ना, कामों का लगातार यूज लेता है, उसकी आंखें क्या होती है, जल्दी कमजोर होती है। जबकि लेमार के अनुसार क्या था कि जो इंसान जिस चीज का ज्यादा यूज करेगा वो उतनी ही सुविकसित होगी। लेकिन इस कायदे से तो क्या होनी चाहिए, आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो जानी चाहिए थी, बाहर ही आ जानी चाहिए थी, पूरे मुंह पे आंखों के सिवाय कुछ दिखना ही नहीं चाहिए था, विकसित भी होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मतलब हर जगह लेमार्कवाद लागू नहीं हो रहा है। नेक्स्ट इन्होंने एक चीज और बता दी कि काफी लंबे समय से जो हमारे भारत की जो नारियां होती है वो अपने नाक और कान छिदवाने की प्रथा चली आ रही है, लेकिन ये लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, ऐसा तो है नहीं अब आगे जो बच्चा होगा उसके नाक और कान में अपने आप ही छेद आएंगे, लेकिन उनको ये कराना पड़ता है। तो ये चीज लेमार्कवाद ने बताई। अब ये लेमार्कवाद कितना सक्सेसफुल था कितना नहीं था ये आपको ही पता चल गया, तो आप मेरे को कमेंट में बताइए कि क्या लेमार्कवाद एकदम सक्सेसफुल था। अब लेमार्कवाद नहीं चला तो नव लेमार्कवाद आया, नियो लेमार्किज्म आया। अब वो नियो लेमार्किज्म क्या था उसकी वीडियो अपन अगले आने वाली वीडियो में देखेंगे, तो उसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी जाएगी। धन्यवाद।